केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक सहायता दी है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। सिर्फ गडकरी जी ऐसे हैं कि जिन्होंने रोड के लिए मदद की है। गडकरी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मुझे उम्मीद है कि उस दिशा में निश्चित रूप से सहायता करें। माननीय श्री राजीव शुक्ला जी, डिमांड टू क्रिएट ए क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश एंड अनाउंस ए कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन पैकेज। धन्यवाद उपसभापति जी। हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले साल भी आपको पता कि कितना भारी आपदा से नुकसान हुआ था, 12,000 करोड़ का नुकसान पिछली बार हुआ था और इस बार अब तक जो है अनुमान के हिसाब से 780 करोड़ का हो चुका है और जो ज़्यादा भी हो सकता 1,000 करोड़। पिछली बार 230 लोगों की जाने गई थी। इस समय भी बादल फटने से तमाम वहाँ पे घर गांव तबाह हो गए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका जो है राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। पहले 7 लाख प्रति घर दिया था और इस बार उन्होंने 50,000 रुपये की तत्काल राहत की घोषणा की है, लेकिन समस्या बड़ी है और ये हाल की समस्या नहीं है। राज्य सरकार अकेला इसका लॉन्ग टर्म समाधान नहीं कर सकती है। पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान जिन लोगों की जाने गई थी उनको कंपनसेशन के साथ साथ कम से कम 1300 सड़कें बंद हो गई थी। उस भयावहता की कल्पना मात्र से ही हृदय विदारक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक परिस्थितियों में भूस्खलन के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव है, इसलिए भूस्खलन प्रबंधन की उचित रूप से विकसित रणनीति की आवश्यकता है। गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना भी आवश्यक है और जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, अब सर्दी आने वाली है तो उनके लिए भी कुछ उपाय करने होंगे। खेती और बागवानी, आजीविका, पर्यटन और उनका रोजगार, सब कुछ तबाह हो रहा है, उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक सहायता दी है वो ऊँट के मुँह में जीरा है। 12,000 करोड़ तब मांगे थे, 1,000 करोड़ तब मांग रहे हैं। वो जो आपने जोड़ा हुए नचाई वगैरह, सिर्फ गडकरी जी ऐसे हैं कि जिन्होंने रोड के लिए मदद की है। गडकरी जी ने, बाकी भी मुख्यमंत्री जी मिलके गए, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है, तो मेरा वही मानना है कि आश्वासन पूरा हो। इसमें लॉन्ग टर्म मेजर की जरूरत है, वहीं क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। मैं संबंध में 14th लॉ कमीशन को, फाइनेंस कमीशन को कोट करूंगा कि व्हाट द 14th फाइनेंस कमीशन सेड, ए लार्ज फॉरेस्ट कवर प्रोवाइड्स ह्यूज इकोलॉजिकल बेनिफिट्स बट देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कास्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया नॉट अवेलेबल फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दिस ऑल्सो सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। द कमीशन रिकमेंडेड फॉर कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म एंड इंसेंटिव मैकेनिज्म। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि वो जो है हिमाचल सरकार को, हिमाचल प्रदेश के लिए कोई सरकार की बात नहीं है, कॉम्पनसेशन दे। पिछली बार का 12,000 करोड़ की मांग थी वो कम से कम पूरा करें और अभी जो नुकसान उसका करें, सबके हित में है, देश के हित में है। तो इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन सब के लिए हिमाचल सरकार को जो मुआवजा देना है वो दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मुझे उम्मीद है कि उस दिशा में निश्चित रूप से सहायता करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।